मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एक अन्य मार्ग से रबी महाअभियान 23 की शुरुआत शुक्रवार को रबी महाअभियान प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान रबी 2023 की सफलता के लिए शुरू किए गए रबी महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने की बात भी कही गई। प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया, जबकि इस दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। हर साल बैंक गारंटी ली जाती है और जो कॉपरेटिव बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं को लोन दिया जाता है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो 8,000 करोड़ का लोन लिया जा रहा है जिसमें सरकार गारंटी दे रही है। भागलपुर के जगदीशपुर में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुभद्रा कुमारी ने की। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुभद्रा कुमारी ने कहा कि उन लोगों द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शुरू की गई हड़ताल जारी है और जब तक केंद्र एवं राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सुभद्रा कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उन सभी सरकारी कर्मी का दर्जा देकर नियमित करने के अलावा तत्काल सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने की मांग भी शामिल है। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा उन लोगों पर 16 अक्टूबर तक हड़ताल तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी हुए बिना वो सभी किसी भी दबाव में नहीं आने वाली और सरकार को उन सभी का हक देना ही होगा। इसके अलावा हड़ताल नहीं तोड़ने पर सरकार द्वारा पोषाहार किसी एनजीओ को दे देने की बात पर आंगनवाड़ी कर्मियों ने कहा कि पोषाहार किसी को भी दे दी जाए, लेकिन सेविका को सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए। साथ ही सेविकाओं ने कहा कि कई महीनों से गोद भराई, अन्नप्राशन एवं मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी उन्हें नहीं मिला है, जबकि स्कूल में बच्चों को खिलाने के लिए बर्तन भी नहीं दिया गया है। मौके पर तारिका रानी, वंदना सिंह, अलका कुमारी, अनीता कुमारी समेत काफी संख्या में सेविका व सहायिका मौजूद रही। राज्य सरकार को सौंपे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं, हमें नियमित किया जाए सरकारी कर्म का दर्जा। आज जो मीटिंग रखा था किस लिए मीटिंग रखा गया था यहाँ पे? आज हम लोगों का मीटिंग हर प्रखंड में, मैं जिला अध्यक्ष सुभद्रा कुमारी हूँ, हर प्रखंड में मैं अपने संगठन को लेकर मीटिंग रख रही हूँ हर जगह। अभी एक लेटर निकला है कि 16 तारीख तक में हमारे सेविका बहनों को धमकी दिया जा रहा है कि हड़ताल तोड़ा जाए, नहीं तो पोषाहार जो एनजीओ को दिया जाए, जिसको भी दे, हमको तो हमारी मजदूरी चाहिए, हमको पोषाहार आप किसी को भी दे, हमारा अच्छे सेवा में पूरा पोषाहार आता है तो आप दे रही हैं, हम क्या कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, और ये धमकी मत दीजिए कि आप पोषाहार किसी और को दे रहे हैं, हमको सिर्फ हमारा मजदूरी चाहिए हम लोगों का। इसलिए आज हम हर प्रखंड में जाके हम पूरा जिला कमेटी जाते हैं हर प्रखंड में और सभी को जागरूक करते हैं, हमारी सभी बहनों का जानते हैं कि कहाँ क्या परेशानी है, तो हर जगह पूरा जिला का यही परेशानी है, 5 महीने से मानदेय नहीं आया है। मोबाइल का रिचार्ज, जब जानते हैं हम लोग ऑनलाइन रहते हैं तो मोबाइल का रिचार्ज अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, वो भराई अनप्राशन भी हम लोग उधारे ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग हर तरह से बैठक, हम लोग हर तरह से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। भागलपुर के बरारी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को विलुप्त हो रही कलाकृतियां विषय पर इंटेक भागलपुर चैप्टर की ओर से चित्रकला एवं गद्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 7 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएवी स्कूल के प्राचार्य रमेश चंद्र शर्मा, इंटेक भागलपुर चैप्टर के संयोजक डॉक्टर केडी प्रभात, सह संयोजक डॉक्टर विभू कुमार राय, मनोज पंडित और कौशल किशोर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व सनातन परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र की प्रस्तुति के साथ की गई। वहीं प्रतियोगिता के दौरान डीएवी, डीपीएस, नवयुग विद्यालय, डिवाइन हैप्पी, सेंट पॉल और एसएमएस मिशन स्कूल के दर्जनों छात्रों ने विलुप्त हो रही लोक संस्कृति, लोक कला,
फोक डांस समेत कई कलाकृतियों को लेकर गद्य लेखन के साथ पेंटिंग भी तैयार की। इधर प्रतियोगिता के बाद बेहतर पेंटिंग और गद्य लेखन का चयन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के करीब एक दर्जन छात्र छात्रा शामिल हुए। बता दें कि प्रतियोगिता में सबसे अधिक डीएवी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, जबकि इसके अलावा 6 अलग अलग विद्यालयों के दर्जनों छात्र छात्राओं ने अपनी कला और लेखन क्षमता को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता के दौरान शिक्षिका मिताली मजूमदार, सुजीत मंडल, आशीष कुमार दास और प्रगति मिश्रा समेत विभिन्न विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका और काफ़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। प्रोग्राम अखिल भारतीय वर्कशॉप है, जो इनकैक नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय चैप्टर के द्वारा यहाँ पर, इसमें वैसी विरासत वैसी संस्कृति जो लगभग लुप्त होती जा रही है, समाज जिसको भूलता जा रहा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए स्कूली बच्चों के माध्यम से यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आर्ट एंड क्राफ्ट, वैसी कलाकृतियाँ जो कभी हमारी विरासत की पहचान थी, उसको फिर से उसी रूप में लाने का यह एक अनूठा प्रयास है, जो अखिल भारतीय कार्यक्रम है और इंटर भागलपुर चैप्टर के माध्यम से अभी भी स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें अभी क्लास 7 से 9 के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं। और इसमें मुख्यतः हम लोग मंजूषा कलाकृति पर फोकस कर रहे हैं कि मंजूषा कलाकृति को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी पीरपैंती के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्ना सिंह ने पीरपैंती के वर्तमान भाजपा विधायक ललन पासवान पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मुन्ना सिंह ने विधायक पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से कराए गए कार्यों के गुणवत्ता की जाँच कराने की मांग की और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा है और विधायक ललन कुमार पार्टी को लगातार कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि इसके कारण पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले कार्यकर्ता और नेतृत्व को आने वाले चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। मुन्ना सिंह ने कहा कि विधायक ललन कुमार हरिजन एक्ट का दुरुपयोग करते हुए अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को बेवजह SC/ST एक्ट में फंसाने का काम करते हैं, जो सही नहीं है। इसके अलावा भाजपा विधायक होने के बावजूद राजद की ओर ताकाझाकी करने का भी आरोप मुन्ना सिंह ने ललन कुमार पर लगाया और कहा कि जल्द ही अगर पार्टी नेतृत्व इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करेगी तो आने वाले 2024 लोकसभा के साथ 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी की पीरपैंती में बड़ी हार संभव है। सैकड़ों लोगों से, मैं तो एक अपवाद, मेरे पिताजी हैं जो जिनका चेक भी बाउंस हुआ था, तो बाबू जी को जब हमने कहा कि इस पर केस कीजिए तो मेरे पिताजी ने भला इसका चाह, उन्होंने कहा कि नाना इसकी करियर खराब हो जाएगी। और आज देखिए इस आदमी को, जब पैसा मांगते हैं तो उल्टे मेरे ऊपर फुफकार कसता। तो हम लोग जिस परिवार में पैदा लिए हैं, तुमसे डरने वाले नहीं हैं, चाहे तुम विधायक हो या सांसद रहो, जायज बात होगा तो कहीं भी बोलेंगे। और मैं क्या, यहाँ के आप क्षेत्र घूम लीजिए प्रेस के बंधु, हर गाँव में 2-4-10 आदमी मिलेगा जिससे ही पैसा लिया हो नौकरी के नाम पर। उपेंद्र मंडल का आपने चुनाव के समय में सुना होगा, खवासपुर वाले हमारे पंचायत अध्यक्ष थे भाजपा के, उनसे भी नौकरी के नाम पे पैसा ले लिया। विनोद पांडे जी जगदीशपुर वाले हैं, जो उन्होंने भी चुनाव, उनका भी पैसा आज तक नहीं दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिसका इन्होंने पैसा ले लेके आज तक पैसा नहीं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं छपरा से आता हूँ। मैं मुझको सबसे पहले डायबिटीज फरवरी 2021 में डिटेक्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने कोई इंग्लिश दवा नहीं ली थी इसकी, और सर का पता चला हमको कि एक पेशेंट इलाज करा के गए हैं, वही बताया कि डॉक्टर साहब बैठते हैं, शुगर का इलाज करते हैं, जो कि ज्वर में उससे ख़त्म करते हो जाता है डायबिटीज। उनसे हम संपर्क में आकर मिले तो बताया सर कि दवा खाइए, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, उससे हम डोज दवा का कम करते जाएंगे। मैंने उनको सर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, धीरे धीरे ब्लड शुगर कंट्रोल होते गया और
आज के डेट में नहीं है, लगभग एक महीना हो गया दवा कोई भी नहीं चल रहा है। आज मेरा ब्लॉक करने के लिए भी दवा पिला दिए हैं सर। वैसे शुगर जब हुआ था उस समय हमको कॉन्स्टिपेशन गैस वाला प्रॉब्लम बना हुआ था, यकीन तो नहीं था लेकिन सुनकर ही आदमी विश्वास पड़ जाता है कहीं ना कहीं। हम भी विश्वास किए कि चलिए इंग्लिश पर थी में तो जाएंगे तो बोलेंगे कि लाइफ लॉन्ग दवा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से इंटर स्तरीय मालवाड़ी पाठशाला प्रांगण में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और खतरों के उन्मूल एवं तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने लाभार्थियों को इन दोनों विषयों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाओं को लेकर लोगों से जागरूक होने की बात कही। मौके पर विद्यालय के कर्मचारी, प्राधिकार के पाराविधिक स्वयंसेवक डब्लू कुमार, विद्यालय के छात्र और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अशिया चक पंचायत नोनसर गांव में दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर जमीन मालिक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उनकी 27 डेसिमल जमीन का खाता नंबर 6 और खसरा नंबर 91 है, जबकि इसको लेकर 41,10,000 रुपये का भुगतान देकर एग्रीमेंट किया गया। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक के द्वारा इसकी रजिस्ट्री करने से मना किया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर न्यायालय में केस चल रहा है। वहीं जमीन मालिक ने गांव के दबंग कुंज बिहारी सिंह और उनके पुत्र के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए घेराबंदी करने का प्रयास करने एवं हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देने पर पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन करते हुए जमीन की घेराबंदी कार्य को रोक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद चोरी छिपे जमीन की घेराबंदी कराई जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत के माहौल में जीने को विवश है। 41,00,000 रुपया श्री शिवाजी सिंह, उनके भतीजे दीपक कुमार अजय एवं श्रीमती बीना सिंह को रुपया दिया है, उसके अगेंस्ट में वो लोग एग्रीमेंट किया है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तीन आदमी किए हैं। उसके बावजूद भी ये लोग हमको जमीन अभी तक कब्जा नहीं दिए हैं और न ही वो जमीन हमको फाइनली रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हुए, जिसके एवज में हमने माननीय भागलपुर न्यायालय में केस दायर किया है तीनों आदमी के अगेंस्ट में, जो न्यायालय में मामला चल रहा है।